इस प्रोग्राम का नाम फ्यूल है जो कि करियर पॉइंट की वेबसाइट पर अवेलेबल है। तो जैसा कि सर बता रहे हैं कि बच्चा पढ़ते समय प्रेशर भी फील करता है, तो एकेडमिक और नॉन एकेडमिक दोनों सपोर्ट्स के लिए ओपन टू ऑल स्टूडेंट्स इन कोटा है। ये सर जैसे कि एक कंसर्न आ जाता है बच्चों के मन में, जैसे कि लेक्चर अवेलेबल हो गया बट उसमें अगर उन्हें कुछ डाउट होता है तो उसका कैसे सपोर्ट मिलेगा? वैसे तो ना मेरी 99.99% गारंटी है कि लेक्चर पढ़ने का डाउट नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। मतलब जिससे गारंटी वारंटी के साथ शैलेंद्र बोलेगा। जैसा अभी पता चला आपको कि 2007-8 के आसपास रिकॉर्ड किए गए थे और टेक्नोलॉजी के नाम पर उस टाइम पर कुछ भी नहीं होता था, और आज तो बहुत चेंज आ गया टेक्नोलॉजी में। जब ये शुरुआत की गई तो ये जो आपने डाउट अभी अभी क्वेश्चन पूछा, ये हमारे डिस्कशन में भी था कि भाई टेक्नोलॉजी पर ला रहे हैं तो बच्चों को डाउट्स आएंगे। आपको मतलब ये बताने के लिए छोटा सा है ना, आपको ये बताता हूँ कि रिकॉर्ड कैसे हुए। जो शक्तिनगर वाली बिल्डिंग है उसमें क्लासरूम के सामने वाले रूम को स्टूडियो में कन्वर्ट किया गया और सर वहां पर स्टूडियो में पढ़ाते थे और लाइव क्लासरूम में टेलीकास्ट होता था, वो बच्चे सामने बैठे हुए हैं उसी टाइम पर रिकॉर्ड होता था क्लास में। इसलिए नहीं कि अगर मान लो किसी बच्चे को डाउट आया और किसी ने कुछ पूछा तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा, तो शुरुआत करने के लिए एक मन में जो हिच होता है ना उसको दूर करने के लिए सामने वाले रूम में रिकॉर्ड किया और इधर बच्चों ने हाथों हाथ देखा। लेकिन डाउट एड्रेस कैसे होगा, हमने उस समय टाइम टेबल 2 आवर्स का बनाया, लगभग 1.5-1.5 घंटे की रिकॉर्डिंग होती थी, DVD में रिकॉर्ड होता था और उसके तुरंत बाद सर क्लासरूम में जाते थे, इस कमरे से स्टूडियो से निकलकर सामने बच्चे बैठे हुए हैं और उस क्लासरूम में जाते थे कि भाई कोई भी डाउट होगा तो डाउट एड्रेस करेंगे। मतलब आपको आश्चर्य होगा कि डाउट नाम की कोई चीज होती ही नहीं थी और वो आधा घंटा सर के पास एक्स्ट्रा ही होता था। सर उसमें बच्चों को प्रैक्टिस करवाते थे और क्वेश्चंस बताने लग जाते थे और प्रैक्टिस करवाते थे, पर डाउट कुछ होता ही नहीं था। इतने फैंटास्टिक तरीके से रिकॉर्ड किए हुए हैं। और कि पढ़ाते पढ़ाते मैं ये बोलता था आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, क्योंकि मैं लगभग उस टाइम तक 15-20 साल पढ़ा चुका था 2008 में, तो मुझे यूजली पता रहता था कि कहाँ पर बच्चा क्या क्वेश्चन करता है, तो मैं वहीं पे रोक के बोलता था आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा और इसका जवाब ये है। तो आई यूज टू कवर दोस क्वेश्चंस आल्सो, तो दैट्स अनदर फीचर ऑफ दिस वीडियोस। दूसरा, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि इन सब के बावजूद भी आ गया तो आप मेरे चैनल पे आकर, यूट्यूब चैनल पर आकर या उसमें हम लिंक दे रहे हैं वहां पर अगर आप आपका डाउट देते हैं तो 99.99% डाउट्स को मैं विद इन अ डे जवाब दे देता हूँ। दैट्स माई हैबिट। आज भी आप मेरे चैनल पर जाएंगे और जो लोग मेरे चैनल को फॉलो करते हैं वो देख सकते हैं कि मैं अगर कोई बच्चा मुझे रिलेवेंट क्वेश्चन पूछता है, फालतू की बात हो तो मैं नहीं जवाब देता, बट कोई रिलेवेंट एकेडमिक या नॉन एकेडमिक रिलेवेंट क्वेश्चन पूछता है तो मैं विद इन 24 आवर्स उसको उसका जवाब 100% दे देता हूँ, 100% देता हूँ। मतलब ऐसा कोई चांस ही नहीं कि किसी बच्चे का कोई डाउट छूट जाए। फिर भी आ जाए तो हमने तो हमारी वेबसाइट पर एक लिंक लगा रखा है कि आपको अगर कोई भी डाउट है, और ये इससे हटकर भी है, इनफैक्ट आज के नहीं, हमने ऐसे भी एक ऐसा लिंक बना रखा है कि किसी भी स्टूडेंट को, चाहे कैरियर पॉइंट का हो चाहे बाहर का हो, कोई भी तरह की परेशानी अगर आ रही है तो वहां पर आकर वो अपना नाम, मोबाइल नंबर और उसकी कोई परेशानी के थोड़ा डिस्क्रिप्शन को लिख सकता है तो वो लिख दे, हमारी टीम के पास वो नंबर आता है, हमारी टीम उससे बात करती है और जैसे जरूरत होती है वैसे फैकल्टी से, मुझसे या जिससे उसको सहायता देनी होती है उसको देते हैं। और देट इज अनदर सर्विस विच वी स्टार्टेड कंसिडरिंग डिफरेंट काइंड ऑफ इश्यूज ऑफ कोटा, ये हमने अभी भी कर रखा है, आज भी हमारी साइट पर है ही, तो वहां पर। और अभी 2 दिन पहले मैंने एक सेशन रखा था उसमें भी हमने बच्चों को बोला है कि आप चाहे कहीं भी पढ़ रहे हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अगर ये आपको ये दिक्कत आ रही तो आप आके लिख दो और हमारी टीम में से कोई आपसे कनेक्ट करेगा, और अगर आपको लगता है उसको लगता है कि सर से मिलाना तो मुझसे मिलाएगा, किसी और से मिलाना उससे मिलाएगा, और जो भी सपोर्ट होगा आपको 100% हम देंगे। तो देट इज ऑलवेज देयर। नमस्कार सर। हाँ जी सर, जो जेईई और नीट की बात करें तो जो जेईई नीट की फिजिक्स होती है, यदि वो स्टूडेंट जो है स्प्रिंट वो इन 130 लेक्चर को ले लेता है तो क्या ये इनफ है या फिर उसे अदर कोचिंग में ज्वाइन करने की नीड होगी? मोर देन इनफ। अगर इन सबको पढ़ लेता है ना वो, तो उसकी लाइफ में रॉकेट लगता है। सर, एनडीए ने अभी पिछले 2-3 सालों में चेंज किया पेपर पैटर्न में कि न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आने लगे हैं, तो चूंकि वीडियो पुराने हैं ओल्ड हैं, क्या ये सिंक्रोनाइज होंगे आज के पेपर पैटर्न? ये 100% ही, क्योंकि कंसेप्ट रिलेटेड है मेरा पढ़ाने का जो तरीका है, इनमें कभी भी मैंने क्वेश्चन से कंसेप्ट नहीं समझाया, हमेशा कंसेप्ट समझा कर क्वेश्चन करा। अगर आपके फिजिक्स में कंसेप्ट क्लियर हैं
तो क्वेश्चन सारे आपसे बनेंगे, कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो नहीं बनेंगे, क्योंकि आप एक दो तीन तरह के पैटर्न के क्वेश्चन करके उनको सोल्व करने के लिए ट्रेंड हो सकते हैं, परंतु अगर आप पे कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप नए क्वेश्चंस नहीं कर सकते। इनमें ये उल्टा है, ये पूरे कंसेप्ट बेस्ड पर है। तो मेरा जो स्टाइल ऑफ टीचिंग रहा है हमेशा, उसमें इट इज फोकस मोर ऑन कंसेप्ट। कंसेप्ट क्लियर करने के बाद ही क्वेश्चन होते हैं बढ़िया ढंग से, नहीं तो आप दो तीन तरह के जो क्वेश्चन होते हैं उनको करा दो क्लास में, तो एक इंस्टेंट सेटिस्फेक्शन मिल जाता है बच्चे को कि मुझसे क्वेश्चन बनने लग गए, क्योंकि आपने उस तरह के क्वेश्चन को करा दिए हैं। और तो जैसे नया क्वेश्चन उसके सामने आता है फिर उससे नहीं बनते, तो फिर वो वहां पर फेलियर हो जाता है उसका। तो इसलिए कंसेप्ट ओरिएंटेड अगर आप पढ़ेंगे तो आपको दिक्कत आएगी नहीं, और कंसेप्ट बदले नहीं है। क्लास 12 तक की जो फिजिक्स है वो वही है। इनफैक्ट आप मुझसे पूछें तो जो लेवल ऑफ क्वेश्चन है वो ओवर द ईयर नीचे आया है, ऊपर नहीं गया। अगर आप देखेंगे तो नीचे की तरफ आया, ऊपर की तरफ नहीं गया। मतलब लोग बच्चे चाहे भले कुछ भी बोले, बट अगर आप कोई आईटी वगैरह को देखेंगे तो नीचे आया, एक्सेप्ट जैसे मैथमेटिक्स है, तो मैथमेटिक्स का आईटी का जो पेपर का लेवल है वो ऊपर की तरफ गया, काफी ऊपर गया पिछले कुछ 4-5 सालों में, बहुत ऊपर गया है। उसमें नीचे नहीं बनी। अब फिजिक्स में दैट इज डाउन। आप अगर